जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, क्लास 10th की मैथ्स के लिए चैप्टर 2 का पार्ट 3 है, जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पर प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो 2.2 एक्सरसाइज है, उसमें हमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें दोस्तों हमें बहुपद दिए गए हैं, उनके हमें शून्यंक ज्ञात करने हैं और शून्यंकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है, उस संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम इसका पहला पॉइंट लेते हैं और उसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका पहला पॉइंट है, उसमें हमें दिया गया है एक्स स्क्वेयर माइनस दो एक्स माइनस के आठ। तो यहाँ पर देखिए शून्यंक हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, ये मैंने दोस्तों बेसिक कंसेप्ट में बता दिया है। गुणांक इसके किस तरीके से देखते हैं वो भी मैंने बेसिक में बताया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका पार्ट फर्स्ट आप देख लेते हैं तो उसमें आपके क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि मेथड इसका किस तरीके से है। यहाँ पर हम एक दो पॉइंट के मेथड लिखेंगे, बाद में डायरेक्ट हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मेथड आपको खुद से लिखना है कि यहाँ पर दोस्तों हर क्वेश्चन में हम मेथड लिख लिख के क्वेश्चन करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, वीडियो भी लेंथली हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो हमें ये बहुपद दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बहुपद हमें दिया जाता है उसे हम पी अक्ष के बराबर रख लेते हैं, ठीक है। तो अक्ष स्क्वेयर माइनस के दो अक्ष माइनस के आठ, इसे हमने पी अक्ष के बराबर रखा। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, जो इसका मध्य पद होता है कि यहाँ पर दोस्तों जो अक्ष का पद होता है उसे हम विभक्त करते हैं, दो टुकड़ों में उसे बांटते हैं। इस तरीके से बांटते हैं कि जब हम माइनस के दो अक्ष है इसके दो टुकड़े करेंगे तो दो टुकड़े इस तरीके से होने चाहिए कि उन्हें जोड़ें या घटाएं। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस के दो अक्ष आने चाहिए और जब उनका गुणा कराएं तो प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा आना चाहिए। तो प्रथम पद एक्स स्क्वेयर है, अंतिम पद माइनस के आठ है, तो जब गुणा कराएंगे तो माइनस के आठ एक्स स्क्वेयर आने चाहिए। यह होता है दोस्तों गुणनखंड, जब हमें बहुपद दिया जाता है तो बहुपद के देखिए गुणनखंड किस तरीके से हम करेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए आठ हमारे पास कब आएंगे, जब हम चार का गुणा दो से कराएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, तो चार का गुणा दो से कराएंगे आठ आएंगे, और चार में से अगर हम दो घटा दें तो यहाँ हमारे पास कितने बचेंगे, दो बचेंगे। लेकिन दो हमें माइनस के चाहिए, ध्यान रखना है, जो आठ एक्स स्क्वायर चाहिए हमें वो भी माइनस के। तो किस तरीके से विभक्त करें, देखिए पहला पद तो है जैसा का जैसा आएगा एक्स स्क्वायर, अगर इसको हम इस प्रकार लिखे माइनस के चार एक्स और प्लस के दो एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, चार एक्स माइनस के हैं प्लस के दो एक्स हैं, घटेंगे आपस में क्योंकि जुड़ेंगे नहीं, चिन्ह अलग अलग हैं, पद समान है, तो माइनस के दो एक्स बचेंगे जो बीच वाला पद बच रहा है। और जब गुणा कराएंगे तो देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, और चार का गुणा दो से आठ, एक्स का गुणा एक्स से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, तो माइनस के आठ एक्स स्क्वेयर आएंगे जो कि यहाँ पर प्रथम पद अंतिम पद का गुणा है। तो इसी तरीके से दोस्तों हमें करना है, आगे हम लिख देंगे इसके माइनस के आठ। जब हम शून्यंक ज्ञात करेंगे तो पी एक्स का मान हम शून्य के बराबर रखेंगे, क्योंकि हम शून्यंक ज्ञात कर रहे हैं तो जो शून्यंक हमारे आते हैं उसका मान रखने पर जो बहुपद हमें दिया जाता है वो शून्य के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब आगे इसे कैसे सोल्व करना, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पर एक्स है, दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वेयर में एक्स का भाग एक्स बार जाएगा, माइनस चार एक्स में एक्स का भाग चार बार जाएगा, ठीक है, यानी कि एक्स से एक्स कटेगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर आठ है, दोनों में दो का भाग जा रहा है, तो प्लस के दो यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स बचेगा, माइनस का चिन्ह है, प्लस का है, माइनस रहेगा, दो का भाग आठ में जाएगा चार बार, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा चार। इस तरीके से हमने इसके गुणनखंड कर दिए, और भी यहाँ पर देखिए कॉमन आ रहे हैं, एक्स माइनस के चार यहाँ पर है, एक्स माइनस के चार यहाँ पर है, तो एक्स माइनस के चार कॉमन लेंगे, यहाँ पर केवल एक्स बचेगा और प्लस यहाँ पर केवल क्या बचेगा, दो बचेगा। तो इस तरीके से दो गुणनखंड हमने पी एक्स के कर दिए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अगर ये शून्य के बराबर है तो पी एक्स भी किसके बराबर होना चाहिए, शून्य के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर हम रखेंगे पी एक्स बराबर शून्य रखने पर, ठीक है। तो ये हम अगर रखते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जो दोनों गुणनखंड है एक्स माइनस चार और एक्स प्लस दो, दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, जीरो के। तो अगर हम एक्स माइनस चार को जीरो के बराबर रखेंगे तो इसे हम पक्षांतरण करेंगे, बटे में जाएगा जीरो होगा, तो एक्स माइनस चार किसके बराबर होगा, जीरो के, यानी एक्स का मान यहाँ से कितना आएगा, माइनस चार को उधर पक्षांतरण करेंगे प्लस के चार हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तो शून्यंक हमारा हुआ है एक्स बराबर चार, दूसरा शून्यंक क्या होगा, अब यहाँ पर अगर हम रखते हैं एक्स प्लस दो को शून्य के बराबर, तो अक्ष का मान कितना आएगा, दो को पक्षांतरण करेंगे माइनस के हो जाएंगे, तो दूसरा शून्यंक हमारा है अक्ष बराबर माइनस के दो। इस तरीके से हम शून्यंक ज्ञात करते हैं, यही इसका मेथड रहने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसकी ज्ञात करेंगे गुणांक। तो गुणांक क्या होते हैं, बहुपद जब हमें दिया जाता है तो गुणांक को भी हम समझ लेते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों गुणांक के लिए भी मैंने बेसिक कंसेप्ट में बताया है कि जो बहुपद हमें दिया जाता है उसकी तुलना हम इसके व्यापक रूप से करते हैं। तो बहुपद का अगर हम व्यापक रूप देखें तो व्यापक रूप इसका क्या होता है, व्यापक रूप होता है दोस्तों ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इससे हम इसकी तुलना करते हैं, यहाँ पर बहुपद हमारे पास है पी एक्स, यहाँ पर हम देखते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस के दो एक्स स्क्वेयर माइनस के दो एक्स और माइनस के आठ। तो इससे हम ए बी और सी के मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए जो एक्स स्क्वेयर का गुणांक होता है वह ए होता है, एक्स का गुणांक बी होता है और अचर पद सी होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर का यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई भी गुणांक इसका नहीं है, कोई भी संख्या गुणा नहीं हो रही है। तो जहां पर कोई भी संख्या गुणा नहीं हो रही है उसका गुणांक एक होगा, ठीक है। तो ए का मान यहाँ पर हमारा एक हो जाएगा, बी का मान हम देखें तो बी। यहाँ पर दोस्तों एक्स के साथ में हमें देखना है क्या गुणा हो रहा है, एक्स के साथ में दो गुणा हो रहे हैं जो माइनस के हैं, तो चिन्ह भी हमें साथ लेने हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे माइनस के दो। अब आठ है जो क्या है माइनस के, ये है सी का मान यानी कि अचर पद है, तो माइनस के आठ सी का मान हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने गुणांक ज्ञात कर लिए और शून्यांक हमने ज्ञात कर लिए। यहाँ पर दोस्तों जो शून्यांक होते हैं, एक होता है एल्फा जिसे हम चार रख देते हैं और एक होता है बीटा जिसे हम माइनस के दो रख देते हैं। दो ये शून्यांक हमें ज्ञात हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए शून्यांकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। तो जब यहाँ पर दोस्तों बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में हम संबंध देखते हैं तो दो तरीके से देखते हैं, पहला होता है शून्यांकों का योगफल और दूसरा होता है शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम योगफल का देखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। शून्यांक हमारे थे दोस्तों अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा को हम ऐड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा योगफल होगा जो किसके बराबर होता है, माइनस के बी बटे ए के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि माइनस एक्स का गुणा बटे एक्स स्क्वेयर का गुणांक। तो अल्फा और बीटा अगर हम देखें तो अल्फा हमारे पास चार है, बीटा हमारे पास माइनस के दो है, तो अल्फा की जगह चार रखेंगे, प्लस का चिन्ह है लेकिन यहाँ पर बीटा का मान माइनस में है तो माइनस दो आएगा, ठीक है। बराबर में क्या चलेगा, माइनस के बी, तो माइनस का चिन्ह है, बी का मान कितना है, बी का हम देखते हैं माइनस के दो है तो यहाँ पर माइनस के दो रखेंगे, ए का मान हमारे पास एक है तो एक रखेंगे। यहाँ पर जब दोस्तों हम योगफल का संबंध देख रहे हैं तो एल्फा प्लस बीटा बराबर आना चाहिए माइनस के बी बटे ए के, तो देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। तो चार में से दो घटाएंगे दो बचेगा और यहाँ पर हम देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस होगा दो और दो में एक का भाग जाएगा दो बार। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं कि शून्यांकों का योगफल का जो संबंध है वो सत्य है। अब हम देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यांकों के गुणनफल के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, एल्फा गुणा बीटा करेंगे, तो एल्फा गुणा बीटा बराबर होना चाहिए सी बटे ए के यानी कि अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। एल्फा गुणा बीटा अगर हम करते हैं तो चार गुणा माइनस के दो होंगे और यहाँ पर अगर हम सी बटे ए करते हैं तो सी का मान हमारे पास था माइनस के आठ, तो माइनस के आठ रखेंगे, ए का मान एक था। अब देखिए चार का गुणा दो से कराएंगे आठ होंगे, प्लस माइनस का गुणा माइनस आठ, तो यहाँ पर हो जाएंगे माइनस के आठ और बराबर में एक का भाग माइनस के आठ में माइनस के आठ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये संबंध आया है, तो दोनों संबंध सत्य हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध सत्य है, इस तरीके से इसका मेथड रहने वाला है। पहले हम शून्यांक ज्ञात करते हैं, गुणांक ज्ञात करते हैं और इनमें हम संबंध देखते हैं। इसी तरीके से सभी क्वेश्चन होंगे जहाँ पर दोस्तों तीन पद में इस प्रकार से हमें दिया जाता है बहुपद, जहाँ पर ए का भी मान हो, बी का भी हो, सी का भी हो। अब यहाँ पर देखिए कभी कभी क्या होता है, हमें बी का पद नहीं दिया जाता है, कभी हमें सी का पद नहीं दिया जाता है। तो जिसका पद नहीं दिया जाता है उसके जब हम गुणांक ज्ञात करते हैं तो जिसका पद नहीं होगा उसका गुणांक शून्य होगा, ये भी हमें ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके अगले पॉइंट हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका अगला पॉइंट है उसमें हमें दिया गया है चार एस स्क्वेयर माइनस चार एस प्लस एक। तो यहाँ पर दोस्तों जो बहुपद है वो एस चर में है, चर अक्ष में बहुपद होता है लेकिन यहाँ पर एस में है, तो यहाँ हम रखेंगे पी एस, पी एस के बराबर इसे रख देंगे चार एस स्क्वेयर माइनस चार एस और प्लस के एक। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मध्य पद को विभक्त करते हैं, दो टुकड़ों में बांटते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं। किस तरीके से होंगे कि जब दो संख्याएं इस प्रकार से हम लें कि उन्हें जोड़े या घटाएं तो माइनस के चार एस आने चाहिए और गुणा करें तो प्रथम पद अंतिम पद का गुणा, देखिए प्रथम पद चार एस स्क्वेयर है, अंतिम पद एक है, तो क्या आएगा गुणा इसका चार एस स्क्वेयर प्लस के आएंगे, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, चार एस स्क्वेयर को तो हम है जैसा लिखेंगे, इसे अगर हम इस प्रकार से लिख दें दो एस माइनस के दो एस, ठीक है,
प्लस एक। तो देखिए दो एस दो एस दोनों माइनस के हैं, जुड़ेंगे तो चार एस होगा, और जब गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो का गुणा चार से एस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हमें समझना है कि मध्य पद क्या आएगा, इस तरीके से हम इसके गुणनखंड करेंगे। चलिए अब यहाँ पर आगे हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए चार एस स्क्वायर है माइनस के दो एस है, यानी कि हम दो एस कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो का भाग चार में दो बार जाएगा, एस का भाग हम एस स्क्वायर में लगाएंगे एस बार जाएगा। ठीक है, माइनस के दो एस में दो एस का भाग एक बार जाएगा। अब यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ पर कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो जब कोई संख्या कॉमन नहीं होती है तो वहां पर हम ए कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस के ए कॉमन ले लेंगे। तो देखिए माइनस का भाग माइनस में प्लस हो जाएगा, एक का भाग दो एस में दो एस होगा। ठीक है, और दोस्तों प्लस में माइनस का भाग माइनस होगा और एक में एक का भाग एक बार जाएगा, इस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो एस माइनस एक, दो एस माइनस एक दोनों में कॉमन है, तो दो एस माइनस एक कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा दो एस और यहाँ पर बचेगा माइनस का एक। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो बहुपद हमारा था उसके दो गुणनखंड हुए हैं जो पी एस के बराबर हैं, दोनों समान आए हैं तो मान भी समान होगा। जैसा कि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि जो द्विघात बहुपद है उसके मान समान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, तो इस तरीके से है। अब देखिए अगर पी एस हम जीरो के बराबर रखते हैं, यहाँ पर दोस्तों मैं बार बार मेथड नहीं लिख रहा हूँ, जैसा कि पी एस बराबर जीरो रखने पर आपको ये खुद से करना है, जैसा कि पहले पॉइंट में मैंने बताया है। अब यहाँ पर जीरो के बराबर इसे रखेंगे तो दो एस माइनस के एक और दो एस माइनस के एक जो गुणा हो रहे हैं दोनों जीरो के बराबर होंगे, तो ये भी जीरो के बराबर होगा। तो दो एस माइनस एक जीरो अगर हम करते हैं तो दो एस बराबर देखिए एक उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और एस का मान कितना आएगा एक बट्टे दो, क्योंकि दो यहाँ पर देखिए गुणा में था, इधर ये किस में जाएगा भाग में, तो एक शून्यक हमारा ये होगा। दूसरा शून्यक हम इससे ज्ञात करते हैं तो इसे भी हम शून्य के बराबर कर सकते हैं क्योंकि इसे पक्षांतरण कर देंगे, तो दो एस बराबर एक होगा और एस बराबर यहाँ पर भी कितना होगा एक बटे दो होगा। तो दो शून्यक एल्फा और बीटा हमने ज्ञात कर लिए, अब इसके गुणांक देखते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर मैं सीधा मान रख रहा हूँ। देखिए एस स्क्वायर का जो गुणांक होगा चार, वह किसका मान होगा एक का मान होगा, तो ए हमारा यहाँ पर चार है, बी अगर हम यहाँ पर देखें तो माइनस के चार है, और सी यहाँ पर हम देखें तो एक है। ठीक है, देखिए बी यहाँ पर एस का गुणांक है जो अक्ष का गुणांक होता है द्विघात बहुपद में। अब यहाँ पर हम इसमें संबंध देखते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है मेथड में कि बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। तो पहला संबंध किस प्रकार से होता है, योगफल का होता है, यानी कि शून्यांकों का हम योगफल करें एल्फा प्लस बीटा तो बराबर किसके आना चाहिए, माइनस के बी बटे एक के बराबर आना चाहिए। तो एल्फा और बीटा हमारे पास थे एक बटे दो एक बटे दो, तो दोनों को हम ऐड कर देते हैं एक बटे दो प्लस एक बटे दो, जो यहाँ पर दोस्तों बराबर किसके आना चाहिए माइनस के बी बटे एक के। तो माइनस तो यहाँ पर हम रखेंगे, बी का मान यहाँ पर माइनस के चार है इसकी जगह रख देते हैं, मान भी यहाँ पर दोस्तों चार है तो इसके बटे में चार रख देंगे। अब देखिए एक बटे दो को हम ऐड करते हैं, तो आप एलसीएम लेके कर सकते हैं, मैं सीधा जोड़ रहा हूँ। यहाँ पर एक बटे दो कितना हो जाएगा एक हो जाएगा, इसका माइनस से गुणा प्लस चार का भाग चार में एक बार जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो योगफल का संबंध है वो सही है। अब हम यहाँ पर देखते हैं गुणनफल का, गुणनफल में क्या होता है, गुणनफल में हम दोनों का गुणा करा देते हैं, तो एल्फा गुणा हम यहाँ पर बीटा कराएंगे जो किसके बराबर होना चाहिए सी बटे एक के बराबर होना चाहिए, यानी कि अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। एल्फा गुणा बीटा यानी कि एक बटे दो गुणा एक बटे दो करेंगे, सी का मान यहाँ पर दोस्तों एक है और एक का मान हम देख सकते हैं चार है तो चार लिखेंगे। यहाँ पर एक बटे दो गुणा एक बटे दो एक बटे चार होगा और बराबर में भी कितना आ रहा है एक बटे चार आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिए गए बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध सत्य है, इस प्रकार से इसका मेथड है, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर जो इसका अगला क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है छह एक्स स्क्वायर माइनस के तीन माइनस के सात एक्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बहुपद हमें दिया गया है उसमें दोस्तों b का जो पद होता है, जो बी एक्स का पद होता है वो आगे दिया गया है, c का पद पहले दिया गया है, तो इसे हमें व्यवस्थित रूप में रखना है। इसे हम पी एक्स के बराबर रखते हैं, किस रूप में रखेंगे, छह एक्स स्क्वायर माइनस के सात एक्स पहले लिखेंगे और माइनस के तीन इसके बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मध्य पद को विभक्त करते हैं कि दो संख्याएं इस तरीके से लेते हैं, उन्हें जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए माइनस के सात एक्स, और गुणा कराएं तो प्रथम पद अंतिम पद का गुणा आना चाहिए। प्रथम पद अंतिम पद का गुणा कितना होगा, छह का गुणा तीन से अठारह एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस के होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर भी सात एक्स किसके आने चाहिए, माइनस के। देखिए किस तरीके से टुकड़े करते हैं, छह एक्स स्क्वायर है, अगर हम यहाँ पर माइनस के नौ एक्स लें और प्लस के दो अक्ष लें तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, नौ अक्ष में से दो अक्ष घटेगा क्योंकि प्लस का है, तो कितना बचेगा सात अक्ष माइनस के, और गुणा कराएंगे तो नौ दुनी अठारह अक्ष का गुणा अक्ष से अक्ष स्क्वायर और प्लस का गुणा माइनस से माइनस, तो माइनस के अठारह अक्ष स्क्वायर आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमें इसके गुणनखंड करने होते हैं।
अब यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन किस तरीके से लेंगे, पर देखिए 4 एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पर 9 अक्स है तो अक्स कॉमन आ रहा है। दूसरी संख्या क्या कॉमन आएगी, 6 में देखिए 2 का भाग चला जाता है लेकिन 9 में नहीं जाता है। 3 लेकर देखते हैं तो 3 का भाग 6 में और 9 में दोनों में जा रहा है, तो यहाँ पर हम 3 अक्स कॉमन लेंगे। 3 अक्स कॉमन लेंगे, 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा, अक्स स्क्वेयर में अक्स का भाग अक्स बार जाएगा, माइनस 3 का भाग 9 में 3 बार जाएगा, अक्स का भाग अक्स में 1 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 2 अक्स माइनस के 3। अब यहाँ पर दोस्तों कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही है तो प्लस के 1 हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर भी प्लस का ही लेना है, तो यहाँ आएगा 2 अक्स माइनस के 3। अब यहाँ पर दोनों में हम देखें तो 2 अक्स माइनस के 3 कॉमन आ रहे हैं, तो 2 अक्स माइनस के 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा केवल 3 अक्स और यहाँ पर बचेगा प्लस का 1। अब ये चल रहा था हमारा दोस्तों पी एक्स के बराबर, पी एक्स को हम यहाँ पर 0 रख देते हैं तो क्या होगा, 2 अक्स माइनस के 3 और 3 अक्स प्लस के 1, ये भी किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के। तो 2 अक्स माइनस के 3 को 0 के बराबर हम रख के देखते हैं तो 2 अक्स बराबर क्या होगा, 3 उधर जाएगा प्लस का होगा, अक्स का मान कितना आएगा 3/2। तो ये हमारा पहला शून्यंक है। दूसरा शून्यंक हम इससे ज्ञात करेंगे तो 3 अक्स प्लस के 1 बराबर 0, तो यहाँ पर देखिए 3 अक्स 1 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा और अक्स बराबर क्या होगा माइनस के 1/3, यहाँ पर ये हमारा दूसरा शून्यंक हो जाएगा। तो शून्यंक हमने ज्ञात कर लिए, इसके बाद में हम गुणांक ज्ञात करते हैं। तो गुणांक क्या होंगे, देखिए ए का मान क्या होता है जो अक्स स्क्वेयर का गुणांक है तो यहाँ पर 6 है, बी का मान क्या होता है जो अक्स का गुणांक है माइनस के 7 है, और सी का क्या होता है जो अचर पद है माइनस के 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए संबंध हम देखते हैं तो पहले योगफल का देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं मेथड बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है, दिए गए बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। तो पहला संबंध होगा शून्यांकों का योगफल जो होता है यहाँ पर दोस्तों अल्फा प्लस बीटा और बराबर होता है माइनस के b/a के। तो एल्फा प्लस बीटा हम करें तो एल्फा हमारे पास है 3/2, बीटा हमारे पास है माइनस के 1/3, तो 3/2 माइनस के 1/3 यहाँ पर हमने मान रखा। देखिए माइनस क्यों आया है, यहाँ पर तो प्लस था लेकिन यहाँ माइनस था तो प्लस माइनस गुना होके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो माइनस के b है यानी b का मान माइनस के 7 है, a का मान 6 है, तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, 6 रखेंगे। इसे हम सोल्व कर लेते हैं तो एलसीएम 6 होंगे 2 और 3 के, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 का 3 से गुना कितना हो जाएगा 9, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 का 1 से गुना कितना हो जाएगा 2, बराबर में देखिए माइनस माइनस प्लस तो 7/6। यहाँ पर देखिए 9 में से 2 घटाते हैं 7 आएंगे, 7/6 और यहाँ पर भी क्या है 7/6। तो हम कह सकते हैं कि जो बहुपद के शून्यंक है उनका योगफल का संबंध सत्य है। आगे हम देखते हैं इसका गुणनफल, तो गुणनफल क्या होता है, दोनों का गुणा करा देंगे अल्फा गुणा बीटा, यहाँ पर ये किसके बराबर होता है, ये होता है c/a के। अल्फा गुणा बीटा कराएंगे तो 3/2 गुणा माइनस के 1/3 होगा, बराबर किसके होना चाहिए c/a के, तो c है हमारा माइनस के 3 और a यहाँ पर है दोस्तों 6। तो यहाँ पर देखिए 3 का गुणा माइनस एक से माइनस के 3, 2 का गुणा 3 से कितना होगा 6 और बराबर में भी कितने आ रहे हैं माइनस के 3/6। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या है, गुणनफल का संबंध है शून्यांकों का। तो यहाँ नीचे हमें लिखना है दिए गए बहुपद के गुणांकों तथा शून्यांकों में संबंध सत्य है। संबंध की सत्यता की हमने जांच कर ली है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला पॉइंट हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला इसका पॉइंट है उसमें हमें दिया गया 4u² + 8u, यानी कि यहाँ पर हमें c का पद नहीं दिया गया अचर पद, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड भी नहीं करने हैं, सीधा आप कर सकते हैं किस तरीके से। सबसे पहले तो हम इसे p u के बराबर रखेंगे जो यहाँ पर है 4u² + 8u। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए सीधा हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 4u² है, यहाँ पर 8u है, तो दोनों में 4u कॉमन आएगा, जो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, देखिए ब्रैकेट में अगर हम देखें तो 4 का भाग 4 में 1 बार, u का भाग u² में u बार जाएगा। ठीक है, प्लस 4 का भाग 8 में 2 बार जाएगा, u में 1 बार जाएगा, तो केवल 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसके दो गुणनखंड हो गए हैं, पहला 4u है, दूसरा है u प्लस 2, तो ये चल रहा था p u के बराबर। अब p u को हम यहाँ पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो 4u जो है और यहाँ पर u प्लस 2 है, ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के। तो अगर 4u से हम 0 रखते हैं तो u का मान कितना आएगा, देखिए 4 का भाग 0 में 0 बार जाएगा, तो पहला शून्यंक हमारा ये हो जाएगा। दूसरा अगर हम इसे ज्ञात करते हैं u प्लस 2 से, तो u प्लस 2 बराबर 0 हम रखें तो u का मान कितना आएगा, माइनस के 2। इस तरीके से दो शून्यंक हमने ज्ञात कर लिए, इसके गुणांक भी हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए u स्क्वेयर है तो a का मान 4 होगा, a का मान कितना हुआ 4, b यहाँ पर u का गुणांक होगा जो यहाँ पर 8 है प्लस के, और c यहाँ पर नहीं दिया गया है, जैसा कि मैंने बताया अगर कोई पद नहीं दिया जाता है ए बी सी तीनों में से किसी का, तो वहां पर उसका गुणांक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए इसमें हम संबंध देखते हैं, तो यहाँ पर पहले योगफल का देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बटे ए के। यहाँ पर मेथड आप खुद से लिख लेना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करके आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अल्फा प्लस बीटा अगर हम करें तो अल्फा जीरो है, बीटा माइनस के दो है, तो जीरो माइनस के दो बराबर में देखिए माइनस के बी, यहाँ पर क्या है बी यहाँ पर आठ है, तो माइनस यहाँ पर हम लिखेंगे आठ लिखेंगे, ए हमारा यहाँ पर क्या था चार था, तो बटे में चार आएगा। यहाँ पर देखिए माइनस के दो बचेंगे, चार का भाग माइनस के आठ में माइनस के दो बार जाएगा, तो यहाँ हम देख सकते हैं योगफल का जो संबंध है वो सत्य है, ठीक है। अब यहाँ पर गुणनफल का हम देखते हैं, अल्फा गुणा बीटा बराबर होना चाहिए सी बटे ए के, तो अल्फा हमारा जीरो है, बीटा हमारा माइनस के दो है, सी यहाँ पर हम देख सकते हैं सी यहाँ पर शून्य है और ए यहाँ पर कितना है चार है, तो जब जीरो का गुणा माइनस दो से होगा जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर भी चार का भाग जीरो में जीरो बार जाएगा, ठीक है। और दोस्तों हमने संबंध ज्ञात कर लिया है, तो बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों में संबंध सत्य इस प्रकार से हमें नीचे लिखना है, तो ये इसका मेथड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला पॉइंट हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला हमें दिया गया वो इस प्रकार से टी स्क्वायर माइनस के 15, तो इसे हम रखेंगे पी टी के बराबर, जो यहाँ पर दोस्तों चर हमें दिया जाता है बहुपद में उसे ही इस तरीके से लिखा जाता है, ये है टी स्क्वायर माइनस के 15। अब इसे देखिए दो तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, पहला तरीका क्या है इसे जीरो के बराबर रखें, यहाँ पर माइनस 15 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा रूट 15 प्लस माइनस के दोनों होंगे, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या है देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं, यहाँ पर टी स्क्वायर है 15 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं अनरूट के 15 और ऊपर यहाँ पर इसका स्क्वायर लगा दें, तो फिर से ओपन करेंगे तो क्या होगा 15 आएंगे यहाँ पर इसका मान। अब यहाँ पर दोस्तों एक सरल समीकरण होती है जिसे इस प्रकार से लिखा जाता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर जो होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके मान लगा देते हैं, तो पी टी के बराबर यहाँ पर क्या होगा देखिए ए प्लस बी हम करें तो ए हमारा टी है पर स्क्वायर रूट 15 है, तो यहाँ हम लिख देंगे टी प्लस स्क्वायर रूट 15 और यहाँ पर हम लिख देंगे टी माइनस स्क्वायर रूट 15, तो ये दो गुणनखंड है। अब पी टी को हम शून्य के बराबर कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा टी प्लस अनरूट के 15 है स्क्वायर रूट 15 है जो जीरो के बराबर होंगे, तो टी का मान क्या आएगा इसे उधर पक्षांतरण करेंगे माइनस के स्क्वायर रूट 15 होंगे, और यहाँ पर अगर इससे हम निकालते हैं तो टी माइनस स्क्वायर रूट 15 जो है वो जीरो के बराबर होंगे, तो टी का मान यहाँ से क्या आएगा प्लस के स्क्वायर रूट 15। तो ये दो शून्यांक हमने ज्ञात कर लिए, दोनों में हम संबंध देखते हैं किस तरीके से गुणांकों में, तो यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं गुणांक पहले गुणांक यहाँ पर टी का स्क्वायर दिया गया है, तो ए यहाँ पर ज्ञात है हमें कितना है एक है, बी यहाँ पर देखिए कितना होगा बी का पद हमें नहीं दिया गया है केवल टी का पद, का मान यहाँ पर क्या होगा शून्य होगा, और सी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा माइनस के 15, तो माइनस के 15, ठीक है। इस तरीके से ये इसके गुणांक है। संबंध हम देख लेते हैं, तो एल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है माइनस के बी बटे ए के, तो एल्फा और बीटा हमारे पास क्या है माइनस के स्क्वायर रूट 15 और प्लस के स्क्वायर रूट 15, तो माइनस के स्क्वायर रूट 15 प्लस के स्क्वायर रूट 15 बराबर किसके होना चाहिए माइनस के बी बटे ए के, बी का मान हम देखते हैं शून्य है तो माइनस शून्य, और बटे ए का मान यहाँ पर हम देख सकते हैं एक है तो एक यहाँ पर हम लिखेंगे। अब देखिए माइनस के स्क्वायर रूट 15 प्लस के स्क्वायर रूट 15 घटेंगे तो जीरो होगा और यहाँ पर भी क्या बचेगा जीरो, तो संबंध यहाँ पर सत्य है। एल्फा गुणा बीटा का हम देख लेते हैं जो यहाँ पर होता है सी बटे ए, तो यहाँ पर एल्फा गुणा बीटा कराएंगे तो इस माइनस के स्क्वायर रूट 15 गुणा प्लस के स्क्वायर रूट 15 बराबर किसके होने चाहिए सी बटे ए के, सी हमारा यहाँ पर है दोस्तों माइनस के 15, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस के 15 बटे ए का मान एक है। तो देखिए जब इनका गुणा कराते हैं तो कोई भी संख्या स्क्वायर रूट में होती है समान संख्या है गुणा हो रही है तो स्क्वायर रूट हट जाता है, केवल क्या बचेगा 15 और माइनस का चिन्ह यहाँ पर है, बराबर में भी कितना आएगा माइनस के 15, तो ये हमारा संबंध यहाँ पर सत्य है। तो यहाँ हम लिखेंगे दिए गए बहुपद में शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा अगला बहुपद है वो कुछ इस प्रकार से है, इसे हम पी एक्स के बराबर रख लेते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 4। देखिए मध्य पद को विपक्त करना होगा तो यहाँ पर जोड़ें घटाएं तो माइनस के एक्स आने चाहिए, गुणा करें तो प्रथम पद अंतिम पद का गुणा क्या होगा देखिए 3 का गुणा 4 से 12 12x स्क्वायर माइनस के आने चाहिए, तरीके से इसके गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर 3x हम प्लस के रखते हैं 4x हम माइनस के रखते हैं तो 4x माइनस के हैं तो 3x घटेगा माइनस के एक्स बचेंगे, गुणा कराएंगे 12x स्क्वायर माइनस के होंगे, तो इस तरीके से इसके गुणनखंड हो जाएंगे 3x स्क्वायर के, यहाँ पर दोस्तों 3x और माइनस के 4x
और माइनस के चार, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस के चार अक्ष में से प्लस के तीन अक्ष घटेंगे, माइनस का अक्ष बचेगा, चार का गुणा तीन से बारह, माइनस प्लस माइनस और बारह अक्ष स्क्वेयर, ठीक है। तो जो प्रथम पद अंतिम पद का गुणा है, यहाँ पर हम कॉमन देखते हैं, तीन अक्ष है, तीन अक्ष स्क्वेयर है, तो तीन अक्ष कॉमन आ जाएगा, तीन का भाग तीन में एक बार, अक्ष स्क्वेयर में अक्ष का भाग अक्ष बार जाएगा, प्लस एक आएगा, माइनस के चार यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में चार चार है, चिन्ह माइनस का है तो बाहर वाला चिन्ह ही हमें कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस का भाग माइनस में प्लस हो जाएगा, चार का भाग चार में एक बार, केवल अक्ष बचेगा और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का एक। अब यहाँ पर देखिए अक्ष प्लस एक दोनों में कॉमन है तो यहाँ पर क्या बचेगा, तीन अक्ष, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस के चार। तो इस तरीके से दो हमने इसके गुणनखंड कर लिए हैं पी एक्स बहुपद के। पी एक्स जो बहुपद है इसे हम शून्य के बराबर कर देते हैं, तो अक्ष प्लस एक भी जीरो के बराबर होगा और यहाँ पर तीन अक्ष माइनस के चार भी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो अक्ष का मान यहाँ से माइनस एक आएगा। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं तो तीन अक्ष चार को पक्षांतरण करेंगे, माइनस के उधर जाते हैं प्लस के होंगे, अक्ष का मान कितना हो जाएगा, चार बटे तीन, ठीक है। तो ये दो शून्यंक हमें ज्ञात हुए हैं। अब यहाँ पर हम इसके गुणांक देख लेते हैं क्या है और दोनों में संबंध देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों गुणांक हम देखें, अक्ष स्क्वायर का गुणांक एक का मान होता है, तो ए यहाँ पर तीन है, बी यहाँ पर देखिए क्या होगा, अक्ष के साथ में कोई संख्या गुणा नहीं हो रही है, माइनस का चिन्ह है, तो ए गुणांक होगा जो भी किसका होगा, माइनस का। सी का मान यहाँ पर कितना है, माइनस के चार है। चलिए संबंध देखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा हम करते हैं बराबर होना चाहिए माइनस के बी बटे ए के। तो यहाँ पर देखिए अल्फा और बीटा क्या है, माइनस के एक और चार बटे तीन, तो माइनस एक प्लस चार बटे तीन हम यहाँ करेंगे, माइनस का बी यानी माइनस, और बी का मान कितना है, माइनस एक है रख देंगे, ए का मान कितना है, तीन है, तीन रख देंगे, ठीक है। इसे किस तरीके से सोल्व करेंगे, तीन का गुणा हम माइनस एक से कराएंगे, माइनस तीन, चार में से माइनस तीन घटेगा, प्लस का एक बचेगा, तो एक बटे तीन। यहाँ पर भी देखिए माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के एक बटे तीन, यहाँ पर संबंध सत्य है। आगे हम एल्फा गुणा बीटा का देखें तो ये होना चाहिए सी बटे एक के बराबर, तो एल्फा गुणा बीटा यानी कि माइनस एक गुणा चार बटे तीन, और सी यहाँ पर हमारा है माइनस चार और ए है तीन, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस का गुणा चार से करा देंगे, माइनस एक का गुणा, तो माइनस के चार बटे तीन, और यहाँ पर भी कितने आए थे, माइनस के चार बटे तीन। तो यहाँ हम लिखेंगे दिए गए बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध सत्य है। तो इस तरीके से दोस्तों पहले क्वेश्चन में इसके छह पॉइंट है जो सभी हमने सोल्व किए हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम इसका सेकेंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिसमें दोस्तों हमें शून्यांक पहले से दिए हुए रहते हैं जिससे हमें बहुपद बनाना होता है, जो बहुपद हमें ये दिया गया है वो क्वेश्चन भी आगे हम सोल्व करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे इसी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।